नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन लेके आया हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा बोल बदलना। अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट होते हैं, मेरे कमेंट्स में भी लिखते हैं कि बोल कैसे बदले जाते हैं, या फिर एक बोल से दूसरे बोल में जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा कि अभी मान लीजिए आपको एक स्पेशली कोई बोल बजा रहे हैं सिंपल सा, तो यदि उसमें दूसरे बोल में ट्रांसफ़र होना हो या आपको दूसरा बोल बजाना हो तो क्या एकदम से लगा दिया जाए, या उसके बीच में कुछ चीज़ बजाना चाहिए, या उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। छोटा सा एक वादन करके बताऊंगा मैं आपको, उसमें 3-4-5 जो भी डिफरेंट टाइप के बोल हैं वो आपको बजा करके और उनके बीच में कैसे बोल बदले जाते हैं वो सिखाऊंगा। तो अब यदि हमें बोल बदलना सीखना है तो उसके लिए 2-4-5 बोल भी आना चाहिए हमें। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं आप लोगों के लिए जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे तरीके से और बहुत सुंदर सुंदर बोल सिखाए भी हैं। अब उनको यूज़ करना सीखना है, बस ये वीडियो में यही काम है। जो हमने सीखा है वो यूज़ कैसे करते हैं। अभी मैं आगे आने वाले समय में आपको कुछ संगत की वीडियोज़ भी दूंगा जो हम डायरेक्टली किसी के साथ बैठ के या बजाएंगे। एक्चुअली आज जो ये ढोलक देख रहे हैं आप, ये ढोलक हमारे दिल्ली के एक सब्सक्राइबर हैं राधा कृष्ण जी, उन्होंने परचेस करी है। तो स्पेशली मैं उनकी ढोलक के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसी मेरे पास बहुत सारी ढोलकें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ की और एक से एक साउंड्स वाली। ये भी बहुत अच्छी ढोलक उन्होंने परचेस करी है। ऐसी आप चाहें तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर मेरे आप कनेक्ट होकर मुझसे ढोलकों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बजा के बताता हूँ आपको मैं। अभी इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोल्स मैंने यूज़ करें, वो बोल्स या फिर हम जो साधारणतः अभी जो सीखेंगे आज हम कि साधारण बोलों को साधारण तरीके से कैसे जोड़ा जाता है, तो वो पहले हम सीख लें, फिर स्पेशल बोलों की बात बाद में करेंगे। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास दो अलग अलग बोल है। पहला बोल मैं यदि आपको बताता हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ, वो बोल बहुत सरल है, धिट नाना तिट धाना। अभी धिट नाना तिट धाना कैसे बजता है पहले वो समझते हैं। तो धिट नाना तिट धाना, धिट मतलब राइट में तिट बोल के साथ घे बजाएंगे तो धिट धी ट। अभी लेफ्ट में भी आप मेरे देख पा रहे हैं धी ट, फर्स्ट फिंगर से ती और फिर सेकंड थर्ड से ट, ठीक है। तो ये तिट के साथ ती के बोल के साथ घे बजाएंगे तो धिट बजेगा धी ट। नाना के लिए इस किनारी पे आपको फर्स्ट फिंगर से मारना है तो ना बजेगा धी नाना। अभी नाना के दूसरे ना पे आप लेफ्ट में थाप लेंगे तो ही बोल की रिदम बहुत अच्छी बैठेगी, ठीक है। तो धी ट नाना ती ट धाना। अब धिट तिट जो है वो थोड़े से अंदर बसते हैं, साइलेंटली बसते हैं, उसके अंदर कोई सराउंडिंग आवाज़ नहीं होती। और नाना जो होता है वो खुला होता है, उसके अंदर एक टन टन जैसी आवाज़ आती है, ओके। तो फिर से देखेंगे आप धी ट नाना ती धाना। अभी धिट नाना तिट धाना एक बोल हुआ। अभी इसके साथ एक बोल और सीखते हैं हम, धाधा तिट ताता धिट। तो धा धा ती ट। अभी धा मैंने अभी आपको बताया था कैसे बजता है, फिर से बताता हूँ। ये ना और घे को एक साथ बजाएंगे एक ही टाइमिंग पे तो धा बनता है, ठीक है। तो धा धा ती ट ता ता धी ट, धा धा ती ट ता ता धी ट,
अभी ये तिट के ट के ऊपर थाप है, चलिए थाप हम लेते हैं। तो फिर मैंने आपको भी बताया था कि रिदमिक बजता है वो, तो फिर से समझते हैं। धा धा तीट ता ता धीट, ये दो बोल हमने सीखे, धिट नाना तिट धाना। दूसरा बोल है धा धा तीट ता ता धिट, ये दोनों चार मात्रा के बोल हैं, आसानी से बजते हैं, इसमें कोई बहुत एफर्ट की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा हमको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, आसानी से बजता है। अब क्या होता है कि हमें इन्हें ज्वाइंट करना है, अभी हम डायरेक्टली भी इनको बजा सकते हैं, पर एक जो सलीका होता है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि छोटी सी उठान इसके बीच में ऐड करना चाहिए। मतलब चार मात्रा के बोल हैं तो हमें बीच में यदि चार मात्रा की उठान इनके बीच में हम डाल देते हैं एज अ ज्वाइनर, तो वो बहुत अच्छे से बजता है। तो अभी हम उठान सीखेंगे फिर उसके लिए। तो उठान हो गई हमारी जो सबसे सरल उठान है, तातीट तातीट ता, उठान है तातीट तातीट ता। यदि हम तीन बोल ही अभी सीखते हैं और यदि इनका प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो बोल बदलना हम सीख लेंगे। फिर आपको जितने बोल आते हैं उनको आप बारी बारी से तातीट तातीट ता बोल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम दो बोलों के लिए समझते हैं। तो धिट नाना तिट धाना, फिर तातिट तातिट ता, धा धा तिट ता ता धिट, ऐसा हमको बोल बदलना है। फिर से देखते हैं, धिट नाना तिट धाना, दूसरा बोल था धा धा तिट ता ता धिट। अभी मैंने आपको उठान बजाना सिखाया नहीं है, उठान है तातिट तातिट ता, तो इसमें ता तीट ता तीट ता, पर इसमें आपको लेफ्ट को थाप लगाना ही लगाना है। तो कहाँ लगेगी, इसमें जो ट जो शब्द है तिट का ट, उस दो शब्द को छोड़ के पांच बार थाप लगानी। कैसे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड को अच्छे से धीरे धीरे ता ती ट, अभी ट पे थाप नहीं लगाई मैंने, ऐसे ही आपको बजाना है ता ती ट ता ती ट ता। फिर से समझेंगे एक बार इसको, ता ती ट ता ती ट ता, ता ती ट ता ती ट ता। अभी थोड़ा सा इसका अभ्यास करने के बाद आपको इसका एक रिदम बनाना होगा, ता ती ट ता ती ट ता। फिर से देखते हैं, बस में जो ट बोल जो नीचे की दो फिंगर्स या तीन फिंगर्स लग रही है उस पर थाप नहीं लेकर के, जितनी बारी फर्स्ट फिंगर बजता है उन सब पे आपको लेफ्ट में थाप लेना है। ये प्रैक्टिस करने के बाद ही तैयार होता है, तो उसको आप जरूर प्रैक्टिस करें इंडिविजुअली, अलग अलग इसको बजाएं आप, ता तीट ता तीट ता। ठीक है, तो ये बोल हुआ, अब हम इसके बीच में जोड़ेंगे। देखिए, धिट नाना तीट धाना, धिट नाना तिट धाना। मान लो हम कुछ देर बजाते हैं, उसके बाद तातिट ता लेते हैं, धाधा तिट ताता धिट, ऐसा हम ज्वाइन करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करनी है तो हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए हम धिट नाना तिट धाना 15-20 बार बजा लिया या 5-10 मिनट बजा लिया, फिर तातिट तातिट, हमको बार बार तातिट तातिट ता इस बोल को, इस उठान को बार बार ऐड करके हमारे को एक अभ्यास करना है कि दोनों बोल हम कैसे ज्वाइन करें। तो बार बार आपको यूज़ करना, 10-15 बार इसको बजाया, फिर तातिट तातिट ता ले लिया, फिर धाधा तिट ताता धिट, फिर एक बार ताते तिट ताते ता ले लिया, उठान ले ली, फिर बोल। तो ऐसा एक बोल उठान, फिर दूसरा बोल, फिर उठान, फिर पहला बोल, ऐसा करके आप प्रैक्टिस करिए। तो मैं एक स्पेशल स्पीड में आपको बजा के बता रहा हूँ, हो सकता है आप शुरुआत कर रहे हो तो हो सकता है आपकी स्पीड धीरे भी हो। ये बात जरूर ध्यान दें कि भले ही स्पीड हमारी कम हो पर बोल में स्पष्ट
आवाज़ आना चाहिए, यही इसकी प्रमुखता है। यदि आप जल्दी जल्दी बजाते हैं और आपके बोल छूट जाते हैं तो वो गलत है, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान देनी कि आपके बोलों में सही आवाज़ आए, इसके लिए आपको धीरे धीरे बजाना है। तो अभी जो मैंने आपको सिखाया ये ता उठान के साथ बोलों को जोड़ना, ऐसा आप मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे डायरेक्टली जुड़ते हैं और घर बैठे तबला ढोलक पखावज सीखते हैं। यदि आप भी सीखना चाहें तो ज़रूर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। व्हाट्सएप के द्वारा आप कनेक्ट होकर मुझसे ऑनलाइन क्लासेस की पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में आपको अच्छा तबला ढोलक पखावज नहीं मिलता है तो आप ज़रूर मुझसे बात करके इमेजेस ले सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं और उसे परचेस कर सकते हैं। तो अब आज का जो लेसन था, हमने आज जो सीखा, वो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और यदि आप पहली आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोज़ सबसे पहले देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।